सेल में आपकी भी है शॉपिंग की तैयारी, तो कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है ताकि सही प्रोडक्ट सही दामों पर वाजिब तरीके से सही सलामत आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस कर देंगी हमेशा के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों, सभी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स की सेल स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनमें गड़े गए हैं आपके लिए लुभावने डील्स और ऑफर हर कैटेगरी में। लेकिन इस सेल में शॉपिंग करना कमाल नहीं है, कमाल यह है कि आपने किन बातों का ख्याल रखा है। सबसे पहले आपको एक तो अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करनी है। किसी भी शॉपिंग में भाग लेने से पहले अपनी एक लिस्ट बना लेनी है कि आपको किन चीजों की जरूरत है और कौन सी चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आती हैं। बेवजह की हर कैटेगरी में उन चीजों पर डील और ऑफर रखे जाते हैं जो ज्यादा एट्रैक्टिव होते हैं, ताकि लोगों की जेबों से पैसे निकाले जा सके। आपको अपने दिल पर और अपनी पॉकेट पर संयम बना के रखना है, किसी की बात में बहकावे में नहीं आना है, ना ही किसी एट्रैक्शन का शिकार होना है। सही और सही ढंग से शॉपिंग करनी है अपनी जरूरत के हिसाब से, ताकि आपके पैसे भी बच सके और आप बेवजह की चीजों को अपने घर पे इकट्ठा ना करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी शॉपिंग पोर्टल पर जब आप किसी डील को देखें और वो आपकी जरूरत के हिसाब से भी है, तो आपको एकदम से शॉप नहीं करना है। आपको कंपेयर करना है प्राइसेस अलग अलग पोर्टल्स पर, और आपको यह भी देख लेना चाहिए कि जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइस दिखाई गई है डील में, क्या वो शुरू से उसी ट्रेंड पर चलती है या घटते बढ़ते उसके प्राइस रहते हैं। इसके लिए आप ढेर सारी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूंगा, उनमें से किसी भी वेबसाइट पर लिंक को पेस्ट कर आप कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस। इससे आपको एक तो फायदा होगा कि सेम प्रोडक्ट के प्राइस किसी दूसरी वेबसाइट पर अगर बेहतर मिल रहे हैं तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। बेवजह में ज्यादा पैसे कहीं पर देना कोई समझदारी तो नहीं कहलाएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं उसमें डील ऑफर और डिस्काउंट तीनों का ध्यान रखना है। कौन सी बैंक का कार्ड किस चीज में आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ये चीजों का भी ख्याल रखना है। हो सकता है जो मेंशन किए हुए कार्ड्स हों वो आपकी फैमिली मेंबर में किसी ना किसी के पास हो, अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो उस कार्ड का इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट का फायदा भी उठा सकते हैं। बेवजह में स्पेशल आपको सुपरमैन बनकर अपने ही कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है कि जा रहा है ज्यादा पैसे जाने दो। हमेशा डिस्काउंट पे भी अपना ख्याल रखना है। जिस भी कार्ड का इस्तेमाल करके आप ज्यादा पैसे बचा सकते हैं वो जरूर कर लेना है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, जब प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर होता है तो आपको अंधाधुंध उसकी ओपनिंग नहीं करनी है। अनबॉक्स करने से पहले अगर फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वहां पर जो डिलीवरी मैन है उसके सामने ही उसको अनबॉक्स कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। इससे आपकी बचत ये होगी कि अगर रॉन्ग प्रोडक्ट या डैमेज प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है तो वापस हो जाएगा तुरंत। अगर अमेजोन या किसी दूसरे पोर्टल से है तो आप अनबॉक्स करते समय वीडियो जरूर बना लें, ताकि अनबॉक्सिंग की वीडियो आप रख सके अपने पास और किसी भी डैमेज या किसी भी दूसरे प्रोडक्ट की डिलीवरी के दौरान आप उसको रिटर्न कर सके, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी ब्लॉन्गिंग्स आई हैं आपके पास डिलीवरी के बॉक्स के साथ में, जो उसका पैकेट है, उसके अंदर जो पेपर मटेरियल मिला है या जो भी XYZ चीजें हैं, वो सब आपको तब तक अपने पास संभाल कर रखनी है जब तक कि डिलीवर हुए प्रोडक्ट से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाए। जब आपको लगने लगे कि जो प्रोडक्ट आपको मिला है बिल्कुल ठीक है और वो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप जो ब्लॉन्गिंग्स मिली हैं उनको आप वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तब तक कम से कम अपने पास कीप रखिए, ताकि अगर जरूरत पड़ती है रिटर्न करने की तो उन सब चीजों के साथ में आप रिटर्न कर सकें और आपका रिटर्न सक्सेसफुल हो सके, ताकि आपको पैसे भी वापस मिल जाएं। वरना इन चीजों के बिना कई बार रिटर्न कैंसिल भी हो जाते हैं। तो ये मोटी मोटी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन शॉपिंग में भी बेहतर एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अंधाधुंध शॉपिंग कर लेने से कोई महान तो बहुत बन नहीं जाएंगे, तो इन बातों का ख्याल रखिए। बाकी दोस्तों, इसी तरह की कमाल और अच्छी वीडियोस के लिए आप हमें यहां पर फटाफट से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलेंगे और वीडियो साथ, रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए हमारे साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।